कम्युनिकेशन डिफरेंसेस अक्रॉस कंट्रीज, कंट्रीज के अक्रॉस कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अमेरिका में अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहे तो वो समझते हैं कि आपके दिल में कोई चोर है, या आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आप सही से बात नहीं करना चाह रहे। या बहुत सारे कल्चर में इट इज़ अनोइंग कि अगर आप हाथ इस तरह से फोल्ड कर लें। फिर अमेरिकन जो है मीटिंग में चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट करें और बोलें, लेकिन सऊदी अरब में बदतमीजी समझा जाता है कि सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा बातें करें, अगरचे वो बहुत टॉलरेंट होते हैं। और उसके बाद चाइना में, जापान में भी सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा बात नहीं करते, जो बॉस बोल रहा होता है उसको सुनकर होता है। अमेरिकन ज़्यादातर एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जबकि जैपनीज होते हैं वो रिफ्लेक्शंस करते हैं, यानी चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर उसको सोचते हैं, फिर कहीं जाके कोई कंसेंसस पैदा करते हैं। तो उनके अंदर जो है वो ये चीज़ ज़्यादा है, तो वो क्वाइट है, एक दूसरे से डिस्टेंट है, बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि वो अपने तौर पे अपने अंदर उस चीज़ को गौर करते रहते हैं। और अदर ओरिएंटेड है, यानी वो चाहते हैं कि उनसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे और दूसरों का कोई काम हो जाए। जबकि US मैनेजर जो है टॉकेटिव होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा ही, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बहुत सारे कल्चर्स में नो नहीं कहा जाता, या उनके कल्चर में नो कहने का सलीका नहीं है। अमेरिकन्स को नो कहना हो तो डायरेक्टली नो कह देंगे। अच्छा, अरब बड़ी मुश्किल से नो कहते हैं। जैपनीज़ जो है वो यस कहेगा तो उसका मतलब है मे बी, और मे बी कहेगा तो उसका मतलब है नो, वो नो कहते ही नहीं है। तो इस तरह डिफरेंट कल्चर्स में आपको समझना पड़ेगा कि वो जो बात कर रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ये कल्चरल डिफरेंसेस पे HSBC ने डिफरेंट एड्स बनाए थे, बहुत अच्छी से अच्छे एड्स बनाए थे, क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि हम पूरी दुनिया में कल्चर के हिसाब से मार्केट करते हैं।